आज से 2-4 दिन पहले पब्लिक न्यूज़ का एक कॉमेडी शो है पब्लिक डिमांड। उसमें हमने देखा कि शाजिया मंजूर साहिबा, जो कि एक मंजीवी सिंगर हैं, बड़े अरसे के बाद उनका कमबैक हुआ है। वो प्रोग्राम के अंदर अपने साथी फनकार के साथ लड़ती हैं इस बात पे कि उन्होंने हनीमून की बात क्यों की। खूब लड़ाई होती है, वो उनको खूब मारती हैं, और वो जो कमेडियन है वो कहते हैं, जी मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा, यार देखो, पब्लिक टीवी वाले इस तरह से दिखा भी रहे हैं पब्लिक के लिए, इनको तो ऐसी चीज़ों पे पर्दा डालना चाहिए, क्योंकि इसमें शाजिया मंजूर साहिबा की भी बेइज्जती है कि वो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, एक बंदे को मार रही हैं, जबकि वो अपनी जगह ठीक हैं, किसी को इस तरह की पर्सनल और घटिया बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन घटिया बातों के बावजूद वो जो कमेडियन हैं वो मार तो नहीं खा सकते ना पब्लिकली टीवी पे एक आर्टिस्ट से, उनकी भी तो आखिर कोई इज्जत है। बड़ा मुझे दुख हुआ। मैंने सोचा मैं इस पर मैसेज बनाऊंगी, लेकिन शुक्र है कि मैसेज बनाने से पहले उन्होंने इस चीज़ को दिखा दिया। 1-2 दिन सारा ड्रामा सोशल मीडिया पे मचा के रेटिंग के लिए उन्होंने फिर बता दिया कि ये एक प्रैंक था। सबसे पहली बात तो ये माननी पड़ेगी कि शाजिया मंजूर साहिबा सिर्फ एक अच्छी सिंगर ही नहीं, इंतहाई अच्छी एक्ट्रेस हैं, क्योंकि उनकी एक्टिंग में कहीं भी फ्लॉ नहीं था। क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। और अब जो कॉमेडियन थे, क्योंकि जो कॉमेडियंस होते हैं जब वो सीरियस एक्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा डाउट होता है इंसान को, तो थोड़ा सा कहीं कहीं मुझे शक हुआ, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो 9 out of 10। दुख मुझे इस बात का हुआ कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो कितने घटिया हैं। सारा ड्रामा क्रिएट किया और उसके बाद बताया कि जी ये तो प्रैंक था, बजाय इसके कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करें, जो लोग देखें, आपका चैनल देखें, आपको रेटिंग मिले अच्छे काम से। वो काम आप इस किस्म की घटिया हरकतें करके, सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें डाल के, उनको वायरल करके, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी मचा के कि आखिर हुआ क्या है, फिर आप बता रहे हैं कि जी ये एक प्रैंक था। मैंने पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ काम किया है और मैं इनकी गेम्स बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा और कीमती अरसा जो है वो पाकिस्तान न्यूज़ इंडस्ट्री और शोबिस को समझने में गुजार दिया। मैं इनकी सारी बातों से वाकिफ़ हूँ कि ये रेटिंग के लिए किस हद तक जा सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि दिन ब दिन हमारा कंटेंट जो है वो घटिया होता जा रहा है, नाजेबा बातें टीवी पर हो रही हैं और अच्छी चीज़ों पे काम नहीं किया जा रहा, रियल इश्यूज जो हैं उन पे बात नहीं हो रही, बल्कि एंटरटेनमेंट के नाम पे इस किस्म के घटिया शोज़ हो रहे हैं। और फिर सोने पे सुहागा, रेटिंग के लिए इस किस्म की नीच हरकतें की जा रही हैं। वेरी सैड। इट्स टाइम कि आप सोचें कि वैसे ही टीवी की लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, थोड़ा ढंग का काम करें वरना ना करें।